नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को पॉइंट ब्लैंक 3 गोलियां मारी। लाल किले में विशेष अदालत बैठाई गई जिसमें नाथूराम गोडसे का ट्रायल हुआ, और उसके ट्रायल के दौरान उसने कहा, उससे पूछा गया कि क्यों मारा आपने महात्मा गांधी को, तो उसने कहा देयर वॉज एन अक्यूमुलेटिंग प्रोवोकेशन फॉर 32 ईयर्स इन मी, पिछले 32 वर्षों से यह व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा था। अब 1948 से 32 वर्ष, 1916 से 1948 तक के जो 32 वर्ष हैं, उस दौरान ऐसे कौन से काम थे जो महात्मा गांधी जी ने किए जिनसे नाथूराम गोडसे को तकलीफ थी, हम वो आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने सत्याग्रह किए, चंपारण का सत्याग्रह, अहमदाबाद का सत्याग्रह, खेड़ा का, डांडी का, मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी, सविनय अवज्ञा की, सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग की, नॉन कोऑपरेशन, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने मैगजीन्स चलाए, न्यूज़पेपर, यंग इंडिया, हरिजन, उन्होंने एक्टिविटीज की, कार्यक्रम चलाए, खादी को लेके, सद्भावना को लेके, ग्रामोद्योग को लेके, अनटचेबिलिटी के इरेडिकेशन के लिए, उन्होंने संगठनों पे काम किया, कांग्रेस पार्टी संगठन पे उन्होंने काम किया, सर्वोदय संगठन पे उन्होंने काम किया, उन्होंने राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए काम किया, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीबों के लिए, ये सब काम जो महात्मा गांधी जी ने किया, इस सब काम से नाथूराम गोडसे को इतनी तकलीफ हुई जब उसने देखा कि इन्होंने तो देश भी आजाद करा लिया और संविधान सभा भी बना ली जिसमें 300 सदस्य विभिन्न प्रजातियों के, दबे कुचले क्षेत्र से आने वाले लोगों की एक मजबूत संस्था बनी, उस सब से उनको इतनी तकलीफ हुई कि उनको जब कोई और जरिया दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने गांधी जी को मारना ही सही समझा। अब हम आज पे आ जाते हैं कि उत्तराखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री बलिया उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान सवाल के जवाब में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और ये पहली मर्तबा नहीं है, हम सब जानते हैं। मैं आपको गिनवाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब कब महात्मा गांधी जी के हत्यारे को सुशोभित करने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनका हमने वीडियो में भी दिखाया, उन्होंने कहा कि भैया नाथूराम गोडसे देशभक्त था, है और रहेगा। और मोदी जी ने 2019 के दौरान कहा कि मैं इनको बिल्कुल मन से अपने माफ नहीं कर सकता हूं, अगर आपकी बात में वजन होता, अगर आपकी बात में सच्चाई होती तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की कि वो दोबारा ये बात बोल सके। अमित शाह जी ने, हमने वीडियो में भी दिखाया, महात्मा गांधी को कहा कि ये तो चतुर बनिया था। उन्होंने देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनके लिए कहा कि भैया ये तो चतुर बनिया था। और इन्हीं के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में कहा कि एक्चुअली में देश के राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। असम के भाजपा के सांसद कामाख्या प्रसाद ने कहा कि इनकी विचारधारा तो कचरे के समान है। अनंत हेगड़े भाजपा नेता ने बापू के स्वतंत्रता के पूरे संग्राम को ही ड्रामा बताया। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भारत देश में राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहना खाली राष्ट्रपिता का ही अपमान नहीं है, इस राष्ट्र का भी अपमान है। और मोदी जी विदेश में जाते हैं तो गांधी जी की उन्हें याद आ जाती है, गांधी जी के बारे में बात करने लगते हैं, गांधी जी की फोटो पे फूल चढ़ाने लगते हैं, बार बार जब उन्हें विचारधारा की जरूरत पड़ती है तब वो गांधी जी को याद करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो 4 साल एक प्रदेश का मुखिया रहा हो, वो ओपनली ये बात कह रहा है, ये क्या मजाक है? हम ये चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए भारत देश में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस बात पे जो भी राजनीतिक, भारतीय राजनीति से ये हमेशा के लिए गायब होना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कह सके दोबारा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। इसके लिए
हम मांग करते हैं कि आपको अपने उस पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। और जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक संदेश नहीं जाएगा, और यदि आप ये नहीं करते हो तो मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं, आपको फिर कोई अधिकार नहीं बचता है कि दोबारा आप कभी भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर पे फूल चढ़ाइए या महात्मा गांधी जी की किसी मूर्ति पे माल्यार्पण कीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप इन्हें बाहर नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है जो ये कह रहे हैं, इसमें ये नाटक नहीं चलेगा ऐसे। राहुल गांधी जी यही तो बात करते हैं, विदेश में जाके उन्होंने कहा कि भारत में दो सोचों की लड़ाई चल रही है, हमारी महात्मा गांधी की सोच है और इन लोगों की गोडसे की सोच है, और इसी के बीच में झगड़ा है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको तो आपने सत्यापित कर दिया इतनी ही जल्दी। और यही तो बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, और आप सबके माध्यम से आज मैं बताना चाहता हूं कि उस नफरत के बाजार में क्या क्या मिलता है। उस नफरत के बाजार में मिलती है हिंसा, घृणा, नफरत, झूठ की राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार, जहां खिलाड़ी हैं लाचार। और उस बाजार में जो हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, हमारी उस मोहब्बत की दुकान में मिलता है 500 रुपए का सिलेंडर, उसमें मिलते हैं युवाओं को रोजगार के अवसर, उसमें मिलता है दबे कुचले पिछड़ी जातियों के लोगों को सम्मान, उसमें मिलती है सद्भावना, प्रेम, करुणा। ये हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, और हम पुनः एक बार मोदी जी से मांग करते हैं कि मोदी जी अपने इस मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, इन्हें पार्टी से निकालिए और देश में एक संदेश दीजिए कि महात्मा गांधी जी के हत्यारों का महिमामंडल करने वालों की भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है।